हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन से मैंने कुकिंग वीडियो नहीं डाला है, तो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कुकिंग वीडियो डालिए, तो मैं आप लोग के पास लेके आई हूँ अनदर कुकिंग वीडियो। आई होप यू एंजॉय कुकिंग विद मी। तो ये जो मैं रेसिपी मैं लेके आई हूँ, ये रॉ बनाना की रेसिपी है। बहुत लोग जो मेरा ब्लॉग पहले से फॉलो करते हैं, उन लोग को पता होगा रॉ बनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट मैंने कुछ साल पहले इसे खाना स्टार्ट किया है। और ये जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ, इस रेसिपी को ये सब्जी मैं खाने के बाद रॉ बनाना का सब्जी खाना स्टार्ट की थी। ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है और ये बहुत ही सिंपल और जल्दी से बन जाता है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही यम्मी होता है। तो विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑफ कोर्स रॉ बनाना। ये दो केले को, कच्चे केले को मैंने काट लिया है, ऐसे गोल गोल काटना है। इसे मैंने आराम से 2 से या 3 पानी से धो दिया है। काटने के बाद धोए, क्योंकि वो चिपचिपा सा कुछ एक होता है ना, वो धोने के बाद चला जाएगा। और इस सब्जी के लिए हमें चाहिए बहुत ही बारीक कटे हुए प्याज। तो ये लगभग 2 प्याज है और मैंने रफली चॉप कर लिया है टमाटोज। ये 2 टमाटोज है और 3-4 क्लोव्स चाहिए हो गए हमें लहसुन के, तो ये 2-3 क्लोव्स है। और मैं तीखा कम खाती हूँ, तो ग्रीन चिली, तो इतने चाहिए सब वेजिटेबल। और हमें मसाले में चाहिए हल्दी, ऑफ कोर्स इंडियन कुकिंग विदाउट हल्दी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो हल्दी तो अपने खाने में ज़रूर यूज़ करें। और ये जीरा पाउडर है, ये हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। हल्दी चाहिए होगा हमें 1/4 टेबल स्पून। और ब्लैक पेपर हम लोग 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। तो आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन गरम कर लें और इसमें 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दें। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल में बना सकते हो। सॉरी गाइस, मैं 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो बताना भूल ही गई थी। पहले तो मस्टर्ड ऑयल, मैं लगभग 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी, और फ़ोरन के लिए थोड़ा सा खड़े जीरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग लगभग 1/4 टेबल स्पून खड़े जीरा डाल देंगे फ़ोरन के लिए। जीरा जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तब हम लोग इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन कर लेना है, तो आप प्लीज़ इसे कवर कर करके कुक करें और गोल्डन ब्राउन होने दे दें। मैं क्या कर रही हूँ, इसी में सॉल्ट डाल दे रही हूँ ताकि प्याज ना जल्दी से पक जाए। तो ये एक टिप आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो आपकी प्याज जल्दी से पक जाए तो। और अभी हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब टाइम है केला डालने का। हम लोग कटे हुए केले इसमें डाल देंगे। अब इस टाइम में हम लोग इसमें हल्दी भी डाल देंगे। मैं 1/4 टेबल स्पून हल्दी इसमें डाल रही हूँ। इस सब्जी को कवर करके हमें 5 मिनट तक पकाना, बीच बीच में चलाते रहें। मैं अभी साथ साथ में इसका टमाटो का एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो इसके लिए हमें 2 कटे हुए टमाटो चाहिए,
जो मैंने पहले से काट के रखा था, एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा लहसुन, 4-5 क्लोव्स, इसका मैं अभी एक पेस्ट बना लूँगी फाइन सा। अभी चेक कर लेते हैं सब्जी का क्या हाल है। हमें ये सब केले को लगभग 50% कुक करना है, उसके बाद हम लोग टमाटो का जो पेस्ट बनाए थे ना वो इसमें डाल देंगे। अभी हमारे केले 50% डन हो गए हैं, तो मैं इसमें टमाटो वाले जो पेस्ट बनाई थी ना हम लोगों ने वो इसमें डाल दूंगी। साथ में हम लोग लगभग 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे और मैं 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। मैं फ्रेशली क्रश कर रही हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ। सबको अच्छे से मिला लें और फिर हमारी मिक्सी में जो थोड़े बहुत मसाले बचे हैं ना उसमें हम लोग लगभग 1/2 कप पानी डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। अभी इसे कवर करके अनदर 5 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक हमारे केले अच्छे से ना पक जाए। तो मैं इसे कवर कर करके कुक कर रही हूँ और इस स्टेज पे आप चेक भी कर ले आपका केला पका है या नहीं। मैंने चेक किया तो ये हो गया था। अभी ये ऑप्शनल है, मैं अ पिंच ऑफ गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो आप इस स्टेज पे गरम मसाला को डाल सकते हो और फिर हम लोग इसे हल्का सा चला लेंगे। और ये सब्जी हमारी रेडी हो गई। ये सब्जी इतनी अच्छी बनती है ना, आप जिसको भी खिलाओगे वो रेसिपी तो फॉर श्योर इसका पूछेंगे आपसे। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी सी सब्जी बन के रेडी होती है। आप भी ज़रूर ट्राई करो ये यम्मी सी बनाना की सब्जी। इसे आप चपाती के साथ भी खा सकते हो और राइस के साथ भी खा सकते हो, ये दोनों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट अ लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।